बाड़मेर जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों एवं हथियारों की तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत गुड़ामालानी पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गुड़ामालानी के भीलों के पास में एक महिला के घर में दबिश देकर 90 ग्राम अवैध स्मैक बरामद कर महिला को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गुड़ामालानी थानाधिकारी विक्रम चारण ने बताया कि मुखबिर के जरिए इत्तला मिली थी कि कस्बे के भीलों के पास में कमला देवी पत्नी रमेश कुमार भील अपने घर में अवैध स्मैक बेचती हैं, जिस पर मई टीम ने कार्रवाई करते हुए महिला के घर से 90 ग्राम अवैध स्मैक बरामद कर महिला को गिरफ्तार किया। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विकेत आनंद जी के द्वारा मादक पदार्थों की धरपकड़ हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत फिर से सूचना मिली थी कि भीलों का वास गुड़ामालानी में एक महिला है जो स्मैक बेचती है, स्मैक की पुड़िया बना के बेचती है। इस पर मन थानाधिकारी जाप्ता के द्वारा वहाँ पहुँचे तो उसके जो महिला थी उसके घर से 90 ग्राम स्मैक बरामद की और उसको दस्तावेज के थाने आए, इसमें मुकदमा दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया गया। गुड़ामालानी थानाधिकारी विक्रम चारण के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कमला देवी पत्नी रमेश कुमार भील को अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने महिला के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।